feel uninvited. Left home, left LA, I'm not excited. I'm uninvited. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know. तो और भाई लोग और उसकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब सबसे जरूरी सूचना, बहुत दिन से आप लोग नोटिस किए होंगे 3-4-5 गेम प्ले से मतलब चिकन डिनर तो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो भाई साहब मैं बोला ये अमीरों वाले कपड़े छोड़ो, गरीबों वाले कपड़े पहनो। तो हाँ, मैंने कपड़े चेंज किए और भाई साहब ये बराती वाला कपड़ा पहन लिया। उसके बाद चलो देखते हैं चिकन डिनर होता है या नहीं होता है। तो उसी के साथ मैं उतर जाता हूँ आज पोचिंग की में। और भाई साहब यहाँ जो धमाल होने वाला है ना, कसम से बोल रहा हूँ, मतलब सोलो वर्सेज स्क्वाड में तो मैंने पेल के रख दिया है, बस देखते जाओ। अब मैं गोली उठा ही रहा था भाई साहब, मतलब अभी उठाया ही था कि सारा कहीं से आ गया, मतलब सारा अली खान नहीं आ गई, ये लौंडिया आ गई सारा, इसका नाम सारा ही है ना। हाँ भाई साहब सारा आ गई और आराम से ये पेली जाती है ये गलत वर्ड हो गया, हाँ तो मारी जाती है भाई साहब। और उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ कि लौंडे किधर हैं, आखिर हैं किधर। अब ये लौंडा किसी पे टीपी भी ले रहा था तो मैं किसी तरीके से खिड़की में घुस घुसा के उसको पेल देता हूँ, मतलब नॉक तो कर देता हूँ लेकिन इसको फिनिश करना बहुत ज़रूरी था। और ये है जालिमों का शहर जिसको हम कहते हैं पोचिंकी। भाई सब सीरियसली, मैं यदि आप पेटी बनाने के लिए घर से बाहर निकल गए ना तो तुम्हारी पेटी कब बन जाएगी तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। और तुमने नॉक करके किसी को छोड़ दिया तो उसकी पेटी तो कोई और चुरा लेगा या फिर वो रिवाइव हो जाएगा, मतलब तुम्हें उसकी किल तो मिलने वाली नहीं है। तो रिस्क लो, जाके पेटी बनाओ किसी भी हालत में। और इसकी पेटी मैं बना देता हूँ, उसके बाद ढूंढता हूँ दूसरा लौंडा। तो कैसा लगा ये किल, मतलब मैं सामने जा रहा था कि सामने लौंडे भगभगा रहे हैं तो जाओ उधर पेलो, लेकिन वो तो भला हो मेरे ईयरफोन का कि उसने बताया कि पीछे लौंडे हैं पेलो उसको, नहीं तो तुम पेले जाओगे। तो सीरियसली मैं भाई साहब गजब तरीके से ड्रॉप शॉट मारता हूँ इसको और ये लौंडे को फिनिश करने के बाद चलो उसके पास। और इसको जिस स्टाइल से मैंने मारा ना, सीरियसली मैं लौंडा बोल रहा होगा भाई साहब कहाँ से, मतलब कौन से खिड़की से निकले, किधर लेट के किधर पेल गए। और वो सब छोड़ो स्टाइल वगैरह, इस लौंडे के कारण है ना मेरा अभी का किल, जो मैंने बॉट को नॉक किया था उसका किल चोरी हो गया। सीरियसली मैंने अभी तुरंत बोला कि पोचिंकी एक ऐसा शहर है जहाँ भाई साहब किल चोरी होते देर नहीं लगती, और कसम से अभी तुरंत मेरी ही किल चोरी हो गई, सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा, मतलब तुरंत नॉक करो, तुरंत फिनिश करो, नहीं तो पता नहीं चलेगा कब चोरी हो जाती है तुम्हारी किल। अब ये तो एक बॉट था, इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन इसको मारने से ऐसा नहीं था कि पोचिंग की खाली हो चुका है, नहीं भाई साहब यहाँ पे लौंडे भरे पड़े हैं कसम से बता रहा हूँ। लेकिन उनको मारने के लिए मेरे पास एमओ खत्म हो चुके हैं, कसम से गन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं लेकिन उनमें एमओ नहीं है, तो एमओ ढूंढना पड़ेगा। और मुझे टॉमी गन का एमओ अगले घर में मिल जाता है, इतना दिक्कत नहीं होता है मुझे ढूंढने में। और चलो लौंडे ढूंढते हैं। अब ये लौंडा टीपीपी ले रहा था, पता नहीं किस पे ले रहा था, भाई सब टीपीपी हो जाते हैं आराम से, लौंडे ठिल जाते हैं। और इसको मैं फिनिश करता हूँ जाके, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, सीरियसली बोल रहा हूँ, रिस्क नहीं ले सकता, किल चोरी होता मतलब सेकंड में किल चोरी हो जाते। तो भाई साहब इसको फिनिश करता हूँ मैं और इससे अच्छी खासी मुझे गन मिल जाती है, और इस लौंडे से मुझे स्कारल डीपी प्लस 6x मिल जाती है। मैं बोलता हूँ क्या पोचिंकी का सारा माल अकेले लूट के रखे हो क्या लौंडे, भाई साहब गजब का लूट होता है इसके पास। तो इससे लूटने के बाद मैं चढ़ जाता हूँ एक छत के ऊपर और भाई साहब यहाँ पे मुझे दिख जाती है एक टपली, मतलब खिड़की से झांकता हुआ टपली। तो इंतजार करते हैं फिर से झांकने का। अब इसको तो मैं यहीं से नॉक कर देता हूँ लेकिन तभी मेरे लेफ्ट से ना गोलियाँ चलने लगती है, तो मैं बोलता हूँ लेफ्ट चलता हूँ, लेकिन नहीं भाई साहब पहले जाता हूँ मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद फिर जाता हूँ उस घर में कि लौंडे कहाँ से गोलियाँ चला रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम में तो दोनों लौंडा बच जाता है लेकिन दूसरे टाइम पे भाई साहब एक नॉक हो जाता है, और मैं यहीं पे वेट करता हूँ कि दूसरा लौंडा भी जाएगा तो बचाने के लिए उसको ज़रूरी, तो जाता है।
अब इन दोनों को जैसे मारता हूँ मेरे लेफ्ट में एक गाड़ी आ जाती है, तो मैं फटाफट जाता हूँ गाड़ी को देखने के लिए कि किधर है लौंडा। और ये भाई साहब तो दौड़ते दौड़ते ही लॉबी पहुंच जाते हैं, और इसके बाद ना मुझे कोई बंदा दिखता है और ना ही कोई बंदी, और इसी के साथ बचते हैं लौंडे सिर्फ पांच। सीरियसली बोल रहा हूँ, सिर्फ पांच, एक अकेला मैं और सामने बचे हैं चार, मतलब चारों एक ही टीम के। पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी मतलब ऐसा सीक्रेट रखने वाली चीज़ है नहीं, और जोन भी उसके साथ में है, और जोन मेरे से बहुत दूर है, मतलब हमेशा की तरह हर बारी। तो आपको पता है कि जोन तो अपने ऊपर तो कभी बनता नहीं है भाई साहब, और सामने वाले के पास चार लौंडे हैं और मैं अकेला हूँ, फिर भी जोन उसके साथ में है। तो मैं बोला ठीक है यार बनो, मतलब मैं हार जाता हूँ, सीधी सी बात ये है। और मैं बोलता हूँ इस कपड़े से भी काम नहीं हुआ भाई साहब, तो कपड़े चेंज करो, मतलब मैं पहन लेता हूँ लल्लू लाल वाले कपड़े, सीरियसली बोल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में मिलता है वो वाले कपड़े पहन के उतरता हूँ, शायद इसमें कुछ लक होगा, क्योंकि मैं देखा हूँ भाई साहब बहुत लौंडे है ना, प्रो प्रो खिलाड़ा बंदा, ये कपड़े पहन के खेलते। तो मैं बोला मैं भी खेलूंगा ये कपड़े पहन के, और मिल्टा पावर उतर जाते हैं भाई साहब। यहाँ पे मुझे गन भी मिल गई है, लेकिन लौंडे नीचे उतरे हैं भाई साहब बहुत सारे, तो मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऊपर ही मतलब नीचे जाएंगे ठिल ठिला जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ऊपर से जब फुटस्टेप इतने सारे आ रहे हैं तो ऊपर ही वेट करो, थोड़ी देर आएंगे लौंडे यहाँ पे। अब ये लौंडे को तो मैं किसी तरीके से मार देता हूँ, लेकिन इससे पहले जिसको मैं नॉक किया था नीचे, वो लौंडा बच जाता है भाई साहब इसके कारण, मतलब ये लौंडा नहीं आता तो मैं नीचे कूद के उसको फिनिश कर देता, लेकिन इसके बाद नीचे से फुटस्टेप फिर से आ रही है। और इस बार तो कतई नहीं छोड़ता, मतलब लौंडे को नॉक करता हूँ और गोली रोकता नहीं भाई साहब, पूरा फिनिश करता हूँ तभी छोड़ता हूँ। उसके बाद एक बॉट आता है, उसको मारने के बाद एक इसका तीसरा लौंडा भाई साहब मेरे पास दौड़ते भगते चला आ रहा है। अब इस टीम के तीन लौंडे तो मैं खा चुका हूँ, बचा है चौथा लौंडा, और भाई साहब चौथा लौंडा कौन है कहाँ पे है ये अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि फुटस्टेप भी जीरो के बराबर ही आ रहा है, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है लौंडा, मतलब कतई नेवलो के परिवार से। हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब एक पबजी में सांप होते हैं, लेकिन भाई साहब ये है ना नेवला, मतलब अलग ही प्लेनेट से आया हुआ बंदा है। मिलवाता हूँ, देखो देखो किस तरीके से लेटा, क्या करूँ, मार दूँ या छोड़ दूँ, क्या बोलते हो? और इसको भी मैं बहुत आसानी से मार देता हूँ, यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ क्योंकि जोन अपने से बहुत दूर हो चुका है। तो भाई साहब सबसे पहले गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, और बीच रास्ते में मुझे दो बॉट मिलते हैं तो उसकी भी पेटी आराम से बन जाती है। उसके बाद मैं निकलने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ, मतलब अभी गाड़ी रोकी भी नहीं होती कि सामने एक बंदा दिख जाता है। अब ये लौंडे को ये तक नहीं पता चल पाता है कि कब क्यों कैसे मारा गया है लौंडा। इसको मारने के बाद भाई साहब मेरे लेफ्ट से है ना गोलियों की फायर सुनाई देती है, तो मैं उधर जाता हूँ देखने के लिए कि लौंडे कहाँ से गोलियाँ चला रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, टपाटप से गाड़ी उठाओ, लौंडे के पास चलो, जो होगा देखा जाएगा। और मैं सीधा पहुंच जाता हूँ इस वाले घर के पास, और भाई साहब बग्गी जिस तरीके से मैं उड़ा के लाया हूँ कि अगला मतलब यशराज अगला फिल्म है ना धूम, मेरे को दे रहा बनाने के लिए कि तुम ही बना सकते हो आजाद, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बना सकता। और भाई साहब यहाँ आके मैं नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लौंडा नीचे कूद जाता है, तो नीचे कूद गया तो भागने की कोशिश कर रहा है। अब इसको नॉक तो मैं आसानी से कर देता हूँ, लेकिन इसको फिनिश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तभी मेरे ऊपर फायर होता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये लौंडा अकेला नहीं है, मतलब इसका पार्टनर भी यहाँ पे मौजूद है। और भाई साहब एक है, दो है, तीन है, कितने पार्टनर है अपने को कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पर से। और मैं कवर ले लेता हूँ, आसानी से कवर लेता हूँ, और इस लौंडे को छोड़ नहीं सकते, मतलब नॉक बंदे को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रिवाइव हो गया तो तुम्हें पेल देगा, ये गारंटी होती है। और भाई साहब मतलब रिवाइव नहीं भी हुआ तो दूसरे, यदि दूसरे टीममेट का पार्टनर हो रहा होगा तो किल चोरी हो जाएगी, तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैं किसी तरीके से कवर लेते लेते घर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं और लौंडे को ढूंढता हूं कि आखिर है कहां।
अब ये लौंडा भी डायरेक्ट फिनिश नहीं होता तो मेरे को समझ में आ जाता है कि इसका और भी पार्टनर जिंदा है, और भाई साहब जोन भी मेरी तरफ आ रहा था, तो फटाफट मैं ढूंढता हूँ, कोई मिलता नहीं है मुझे, तो मैं फटाफट इन दोनों को फिनिश करता हूँ और इसके गाड़ी में बैठ जाता हूँ। और भाई साहब पता चलता है इसके गाड़ी में तेल ही नहीं है, तो मैं अपने ही बग्गी में उठाता हूँ और इससे मुझे फ्लेयर भी मिल गया। तो भाई साहब अपनी बग्गी उठाता हूँ, फ्लेयर उठाता हूँ और सीधा पहुँचता हूँ एक स्क्वाड हाउस में, और इस स्क्वाड हाउस में पहले से एक बंदा मौजूद है। अब इसको तो मैं आसानी से मार देता हूँ, इसके बाद मैं अपनी फ्लेयर चला देता हूँ इस आस में कि AWM आ जाएगा, मतलब AWM आएगा, लेकिन उसमें निकलता है ये, सीरियसली देखो क्या निकलता है, मतलब मेरे ऊपर अभी शॉट्स आ रहे हैं और मैं जान जोखम में डाल के ये लूटने के लिए गया हूँ कि AWM होगा, लेकिन निकलता है ये। और भाई साहब ये अच्छी गन है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं अच्छी, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो अच्छी नहीं है मेरे लिए। अब एक बंदा है ना मेरे आंख के सामने सांप बना हुआ है भाई साहब, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब वो जो घर है उसके आगे एक झाड़ी दिख रहा होगा आपको, छोटा सा झाड़ी, उसी के पास वो बंदा सांप बना हुआ है भाई साहब, और मैं उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब आप लोगों को मेरे को लगता है स्पॉट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग फोन पे 480p पे देख रहे होगे, तो शायद आपको स्पॉट नहीं होगा वो बंदा, लेकिन मैं जब गेम खेल रहा था मुझे साफ साफ स्पॉट हो रहा था, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब M4 से भी मैं उसको मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका दूसरा लौंडा भाई साहब मेरे खोपड़े पे बोल्ट एक्शन मतलब कार 98 लेके खड़ा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका तो। और भाई साहब जोन, पता नहीं जोन का मुझसे क्या दुश्मनी है, क्या लेके बैठा हूं, कौन सा कर्ज लिया हूं भाई साहब, जोन दे दो ना एक आध बार में। मतलब मैं दिन भर में 20-25 गेम खेलता हूं, लेकिन कभी भी ऐसी चांस नहीं आती है कि जोन मेरे ऊपर हो। मतलब हर वीडियो बनाता हूं मैं, जोन मेरे से दूर ही होता है भाई साहब, क्यों, क्या क्या लोगे मेरे पास आने का बता दो। और उतरते के साथ गन, ये दोनों चीज तो भाई साहब कभी मिली ही नहीं मेरी जिंदगी में, इतनी किस्मत खराब है मेरी। तो मैं गाड़ी उठाता हूं, बग्गी, कोई चांस ही नहीं है, मैं आगे जाना ही पड़ेगा। और भाई साहब मैं टीले पे पहुंच जाता हूं जोन के बाहर, अब ये लौंडा तो इकलौता होता है, आराम से मारा जाता है। अब मेरे अपोजिट में बचे हैं चार लौंडे, सीरियसली मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कि चारों एक ही टीम के हैं कि अलग अलग टीम के हैं, तो मुझे वो सांप फिर से स्पॉट होता है और मैं फिर से मारने की कोशिश करता हूँ उसको। अरे बावला, और फिर से मेरे अपोजिट में चार लौंडे होते हैं और भाई साहब मैं फिर से मारा जाता हूँ बेवकूफ़ी के, मतलब क्या करूँ, जोन भी साथ नहीं देता, तो भाई साहब मारा ही जाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लो, ताकि इस तरीके का मज़ेदार कंटेंट हर रोज़ आप तक पहुँच पाए। और प्लीज़ सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो तमाम पबजी लवर्स के साथ, जितने भी आप लोग जिसके साथ भी आप पबजी खेलते हो, कम से कम उन लोगों तक तो शेयर ज़रूर कर दो। इस चैनल को जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।